बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने लगेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में बटर चिकन और उसके साथ थवा नान। आप लोग किस तरह बटर चिकन अपने घर में तैयार करते हैं? बहुत ही आसान सा मेथड है, बट अगर आप इस प्रोसीजर को पूरा देखेंगे तब यू कैन फाइंड द सेम रिजल्ट। बट इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, 2 kg मैंने चिकन लिया है। इसमें 2 tablespoons मैंने सिरका ऐड किया है, 1 teaspoon मैंने इसमें कश्मीरी लाल पाउडर ऐड किया, 1/2 teaspoon मैंने इसमें नमक ऐड किया है। रेसिपी देर मज़ेदार जुड़ेगी, देर कलर है कि तासु सेम प्रोसीजर फॉलो कर तासु तबल सेम रिजल्ट मिलावेगी। अच्छा, मैंने लिया है 4 tablespoons दही। आप लोग कम और ज़्यादा हो सकता है, अगर आप लोगों ने थोड़े से कम लिया थोड़े से कोई मसला नहीं है, वहाँ पे डिपेंड करता है। बस प्रोसीजर सेम हो, आपने इसी तरीके से आपने सारा प्रोसीजर करना हो, बाकी क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा हो सकता है। मैंने इसमें ऐड किया है 1 tablespoon लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 tablespoon मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड किया है, 1 tablespoon मैंने इसमें ऐड किया है गर्म मसाला। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराना आप लोग का हक है, हर उस छोटे से लम्हे को एंजॉय करें जिसका पता नहीं चलता कल वो आएगा या नहीं। तो जिसकी वजह से आप मुस्कुराना भूल चुके हैं, इग्नोर करें उन लोगों को। अच्छा, इसमें हमने ऐड किया 1/2 teaspoon हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं, दही हमने ऐड किए हैं, वो बिल्कुल चिकन जो है ना वो एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब ऐसे मतलब सारे मसाले इसमें एडजस्ट हो जाए। सो फॉलो द सेम प्रोसीजर सो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन विद नान। चिकन मैरिनेटेड हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको कवर करना है। तकरीबन 30 minutes के लिए हम इसको रखेंगे ताकि इसका मैरिनेशन अच्छे से कम्प्लीट हो जाए। सो टिल टू दैट पॉइंट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर रेसिपी। थर्टी मिनट के बाद जो है ना हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, अब हमने नान के लिए डो तैयार करना है तो फॉलो करें द सेम प्रोसीजर, कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें। अच्छा, अब एक बाउल में हम 1 कप पानी लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 tablespoon खमीर, खमीरा जो बोलते हैं इसको पश्तों में, तो मतलब बाजार में मिलता है जो ड्राई वाला होता है। 2 tablespoon मैंने इसमें वो ऐड किया, 1 tablespoon मैंने इसमें ऐड किया है शुगर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 teaspoon नमक। जो मिक्सचर हमने बनाया था 10 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, 2 tablespoon है इसमें दही ऐड करेंगे, 1 tablespoon हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छा लगे तो काइंडली लीव अ ब्यूटिफुल कमेंट। आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रेसिपी आपको अच्छा लगा है? तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि हमारी रेसिपी आपको कैसा लगा। अच्छा, अब हमने वो डो जो है ना तैयार करने, मतलब आटा गूंदना है। अच्छा, स्पेस बनाए आटे में थोड़ा सा, हमने वो मिक्सचर आटे में ऐड करना है जिसमें हमने खमीर ऐड किया था। तो आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करना है, अदरवाइज आपका जो आता है वो वेशलो फॉर्म में चला जाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो वेशले होते हैं ना, पश्तों में हम वेशले बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, तो उस तरह बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। वैसे हमने तवा नान बनाना है, इसका टेक्सचर बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे रखना है। अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी रगड़ाई करनी है हाथों से ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, हमारा जो नान है वो फ्लफी फॉर्म में हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो। हमारा जो आटा है वो तकरीबन 80% गून चुका है। अब हमने इसको कवर करना है, तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 2 tablespoon ऑयल, इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन, क्योंकि हमारा चिकन का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, 30 मिनट के लिए वो मैरिनेटेड फॉर्म में हो चुका है। अब हम चिकन को हम पकाएँगे, अब कढ़ाई में इसको ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी तरह शेफ़ बनना है तो हम जैसे छोटे शेफ़ को फॉलो करें, हमारे प्रोसीजर को
ट्राई करें, हो सकता है आप हमसे अच्छे शेफ बने। बस इसके लिए ख्वाहिशी करनी पड़ती है जो कि आजकल के लोग करते नहीं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ उन्हें आसानी से मिले, टाइम भी ना लगे, बिना मेहनत के मिले। बस वो शॉर्ट फॉर्म में होती है, टेम्पररी होता है। और जिस चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है। वो जो है ना परमानेंट होती है, फॉरएवरली होती है। सो चूज़ द राइट वे विच इज़ गुड फॉर यू। अच्छा, बटर चिकन के लिए जो ग्रेवी तैयार करते हैं, टोमेटो के पेस्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है 4 टोमेटो। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सारे टोमेटो को अच्छे से ब्लेंड कर ले। तब तक हम ऐड करेंगे बटर पैन में। तो 3 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, इसको मैंने ऐड किया। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चिली, लौंग, थोड़ा सा गरम मसाले की इलायची, ताकि बटर के साथ जो है ना इसका टेस्ट आ जाए, मतलब बटर में गरम मसाले और चिल्ली का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, तो इसका मज़ा और भी जो है ना डबल हो जाएगा। अब इसको बटर से सेपरेट कर लें और मेल्टेड बटर में ऐड कर लें गार्लिक का पेस्ट। जब गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो का पेस्ट, जो हमने ब्लेंडर में डाला था ना उसका हमने पेस्ट तैयार किया है, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से काजू, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इन सारों को अच्छे से मिक्स करना है। जब टमाटर के पेस्ट से सारा पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दो तीन मिनट के बाद इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है। अब दोबारा हम इसको ऐड करेंगे ब्लेंडर में, ताकि काजू जो है ना वो इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर अच्छा इस ब्लेंडिंग मिक्सचर को छानी से अच्छे से छान ले, ताकि जो टोमेटो के स्किन है और जो काजू के पीसेस है वो इससे अलग हो जाए और हमें अच्छा सा ग्रेवी मिले। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे बटर और थोड़ा सा क्रीम। अच्छा, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे ये ग्रेवी जो हमने तैयार किया है। नाउ यू कैन सी द लुक इज सो यम्मी एंड सो टेस्टी, इट्स टोटली डिफरेंट। द टेस्ट ऑफ बटर चिकन इज सो डिफरेंट, सो ट्राई मस्ट एड सम क्रीम, अ लिटल बिट कोरिएंडर, और इसको रखे थोड़ा सा बिल्कुल ही लो फ्लेम पे दम के लिए। तो हमारा डो भी बिल्कुल रेडी है। नाउ यू कैन सी इट्स टोटली रेडी। अब क्या करना है, पेड़े बनाना है। हमने बना लिए पेड़े। आप भी ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करें तो आपको बटर चिकन विद नान ऐसे ही मिलेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पेड़े को ऐसे ही बेल लें और ऐसे ही मजे मजे के नान बनाएं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। जब हम बटर चिकन साथ में नान के तासु को खसे हुई नो लाइक की, सब्सक्राइब की, चैनल शेयर की फ्रेंड्स और फैमिली सरा। तो हमारा चिकन बटर वाला बिल्कुल रेडी है, साथ में नान भी बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट कर ले और फिर हमने इसको खाना है। एट एंड आई वांट टू टेल यू दैट लव योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इफ यू स्टार्ट समथिंग कम्प्लीट इट टिल टू एंड, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव योर गोल। सो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोग हमारी रेसिपी अच्छा लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली।
टिल द नेक्स्ट रेसिपी गिव मी अल्लाह हाफिज, आई वुड बी हियर अगेन विद अ न्यू रेसिपी, आई होप यू विल लाइक दैट रेसिपी, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, सो एंजॉय दिस अमेजिंग सी रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बटर चिकन डेर मज़ेदार दे कता शुक्रें रजें.